हेलो स्टूडेंट्स, उस दिन हमने ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड चालू किया था, जिसमें कि हमने क्या देखा था, प्रिपरेशन ऑफ जिंक कंपाउंड। ठीक है, जिंक कंपाउंड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। प्रिपेयर कैसे कर सकते वो तो देखा, अब रिएक्शंस देखनी है हमें उसकी, क्योंकि वो कौन कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्ट होके क्या देता है हमें। ठीक है, तो जो पहली रिएक्शन हम देखेंगे वो है प्रोटोनेशन और रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो प्रोटोनेशन मीन्स व्हाट, कि प्रोटोनेशन या हम उसको उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ कंपाउंड विद एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब ऐसे कंपाउंड जो एसिडिक हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसके साथ जिंक कंपाउंड कैसे रिएक्ट करेगा, तो उसी को हम लोग प्रोटोनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन प्रोवाइड करना मीन्स एच पॉजिटिव देना। एच पॉजिटिव कोई दे रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या करवा रहे हैं वहाँ, उसका प्रोटोनेशन करवा रहे हैं। तो जनरली एसिडिक हाइड्रोजन के साथ हमारा जो जिंक कंपाउंड है वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, देखो ये जो है ये क्या है हमारा R2ZN, मतलब कोई भी अल्किल जिंक कंपाउंड है उसके साथ हम लोग एक एसिडिक हाइड्रोजन, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन एसिडिक एच पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, उस केस में क्या होगा, R2ZN प्लस AH क्या करेगा, RZNA, और एक क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, R के पास, मतलब RH। तो ये हमारा क्या बना, हाइड्रोकार्बन। फिर से ये जो रिएक्शन है यहाँ अभी भी जिंक अवेलेबल है, फिर से ये कंपाउंड क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ RH मिल जाएगा और ZnA2 रिमूव हो जाएगा। मतलब हमें क्या मिल रहा है, दोनों भी केस में हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन्स मिल रहा है। तो ये एक रिएक्शन है जिंक की, जिसमें जिंक क्या करेगा, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो एसिडिक हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा। अब ये तो जनरल है, AH भी हमने जनरल लिया है, AH के जगह क्या क्या हो सकता है, तो देखो HOH हो सकता है, मतलब वाटर, ये भी क्या देता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव देता है। ROH हो सकता है हमारा अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, थायोल हो सकते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो सकते हैं, और ये हमारा अल्किन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो AH मतलब जो भी कंपाउंड हमें एसिडिक हाइड्रोजन देंगे उसके साथ हमारा ये जो जिंक कंपाउंड है, डायअल्किल जिंक कंपाउंड है, वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और हमें क्या देगा, हाइड्रोकार्बन देगा। अब अगर कंप्लीट दोनों भी इसमें कंप्लीट रिएक्शन हुई तो हमें प्योर हाइड्रोकार्बन मिलेगा, लेकिन ये जो रिएक्शन है पहली वाली जहाँ डायअल्काइल जिंक एसिडिक हाइड्रोजन या कोई भी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट होगा जो हाइड्रोजन दे रहा है, तो एक हाइड्रोकार्बन मिलेगा और एक हमें इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है, RZNA। तो ये जो रिएक्शन है ये यहाँ पे भी स्टॉप हो सकती है। ठीक है, इसको हम यहाँ स्टॉप करके एज अ इंटरमीडिएट किसी और इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और डेरिवेटिव प्रिपेयर करने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है जिसको हम यहाँ स्टॉप कर सकते हैं। तो अगर हम डायअल्किल जिंक लेते हैं और ये क्या है, प्रोटोन डोनर मतलब एच पॉजिटिव दे रहा है, अगर वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो RZNOH, ये जो हमारा ये जो इंटरमीडिएट है ये भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं फर्दर दूसरे रिएक्शन के लिए। अगर ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा तो RZNA क्या बनेगा, RZNCH3O या OCH3, ये भी हम ऐसे इंटरमीडिएट यूज़ कर सकते हैं। अगर एसिड के साथ तो COOCH3 भी यूज़ हो सकता है, ये भी यूज़ हो सकता है। तो ये भी क्या है, अल्किल जिंक डेरिवेटिव फ्रॉम डायअल्किल जिंक, ये डेरिवेटिव्स भी हम लोग बना सकते हैं। हम लोग यहाँ हाइड्रोकार्बन भी प्रिपेयर हो सकता है और उसके साथ क्या हो सकता है, कुछ डेरिवेटिव्स भी बन सकते हैं जो कि हम लोग उसको एक ही बार उसकी रिएक्शन करवा के भी स्टॉप करवा सकते हैं। तो ये हमारा पहला रिएक्शन था, किसका, हमारा जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है उसका, किसके साथ, ऐसे कंपाउंड के साथ जो कि हमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं।